नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों जो है गांव-गांव जो है फार्म शुरू हो चुके हैं। 1,00,000 महिलाओं को 7,000 रुपये महीना हरियाणा सरकार जो है देने वाली है, जिसके अंदर जो सक्षम योजना के तहत जो भी महिलाएं लगी हुई है उनके फार्म भरवाने भी शुरू कर दिए भाई। उम्र कितनी, कागज कौन से, कहाँ फार्म भरे जाऊंगे, किस प्रकार की योजना है जिसके तहत अभी 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करने वाले, जिसके अंदर टारगेट रखा गया है कि 50,000 महिलाओं को तो तब तक फार्म भरवा के जॉब है उनको इस प्रकार की जो जॉब है उसका काम दिया जा सके और यह जॉब आप जो है घर बैठे कर सकते हो। आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन, तो इस प्रकार से देख लीजिए। पीएम मोदी 9 को पानीपत में IRDA की परीक्षा देनी होगी, इंटरव्यू में सफल होने के बाद एजेंट का दर्जा मिलेगा भाई। तो इस प्रकार से भाई योजना का नाम है बीमा सखी योजना, जिसके लिए 1,00,000 महिलाएं बनेंगी एजेंट, पीएम के कार्यक्रम में आगे बैठेंगी जिसने अभी तक फार्म भर लिए हैं भाई। तो इस प्रकार से 1,00,000 महिलाओं का जो है टारगेट लेके चलिया है, जिसके तहत एक LIC कंपनी है जो बीमे वगैरह करा है, आपने भी अच्छे तरीके से पता होगा। उसके अंदर जो बीमे करवाने वाले जो एजेंट आपके पास में आवे हैं, वे बीमा करवा लो, बीमा करवा लो। तो उसी प्रकार से इन महिलाओं को भी बीमा सखी योजना के नाम से जॉब जाना जाओगा और ये महिला जो है लोगों को अवगत करेगी कि आप जो है इसके अंदर बीमा करवाइए, ये करवाइए, आपका काम सिर्फ ये होगा, आपको जो है बीमे भी करवाने पड़ेंगे, जो आपको कहेगा कि मेरा बीमा कर दीजिए। तो उसी प्रकार से आपको जो है इसीलिए इस स्कीम के अंदर लाया जा रहा है और आपको 7,000 रुपये महीना अलग से मिलेगा, जो आपने बीमे करे उसका कमीशन अलग, 7,000 रुपये महीना अलग, यानी कि दोनों चीज़ आपको मिलेंगी 1 साल तक। दूसरे साल आपको मिलेंगे 6,000 रुपये, तीसरे साल आपको 5,000 रुपये महीना मिलेगा यो, ठीक है, जिसके फार्म शुरू कर दिए। दूसरी एक और बात, जो सक्षम युवा योजना के तहत जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनके पास भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से फ़ोन कॉल आनी शुरू हो चुकी है कि आपको 4 तारीख को एम्प्लॉयमेंट ऑफिसों के अंदर पहुंचना है, किसी को 5 को भी बुलाया जा सके। तो इस प्रकार से कॉल भी आ रही है कि आपको बीमा सखी योजना के तहत अगर आप इच्छुक हैं तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर पहुँचें, अगर आपके पास में कॉल आती है तो। तो इस प्रकार से, नहीं तो आप अपने नज़दीकी LIC ऑफिस में जाके भी अपना फार्म भरने का काम कर सकते हो इस योजना के तहत। इसके अंदर कुछ कंडीशन रखी गई है कि आपके पास में क्या होनी चाहिए। आपके पास में 10वीं पास होनी चाहिए, जिसने 10th पास कर ली है वो महिला इसके लिए एलिजिबल है। 18 से 35 की आपकी उम्र होनी चाहिए। आपके पास में पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट और एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज, ये आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक बैंक की खाते की कॉपी। तो इस प्रकार से आपके जो है फार्म भरवाने शुरू कर दिए हैं LIC एजेंटों के द्वारा भी। इसके अंदर भाजपा का दावा कि 50,000 महिलाएं आएंगी, मैं तब तक जैसे 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी पानीपत आवें तो उस टाइम जो है 50,000 महिलाओं के फार्म भरवाए जा सकें, इसलिए पूरा जोर शोर इसके ऊपर लगा दिया भाई। जैसे आप फार्म भर लोगे आपको एक टेस्ट भी देना पड़ेगा, 50 नंबर का पेपर होगा आपका, जिसमें से आपको 17 नंबर उसके अंदर लेने पड़ेंगे, तब जाके आपकी एक ID बन जाएगी, जिसके तहत आपको फिर जो है अपने एजेंट बीमे वगैरह करने शुरू कर दोगे। यानी कि एक एजेंट की ID मिल जाएगी, आपको 17 नंबर लेने पड़ेंगे उसके अंदर, ये टेस्ट होगा आपका 50 नंबर का, एग्ज़ाम लिया जाएगा कंप्यूटर के ऊपर। तो इस प्रकार से आप जो है अगर इस योजना के लिए इच्छुक है तो अपना जल्द से जल्द जो है फार्म भरवा लीजिए, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं 9 दिसंबर को, इस प्रकार से आपको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। आप साथ लगे यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आया था। आप साथ वीडियो देखा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।